दोस्तों, हमारे देश इंडिया में अगर स्मार्टफोन की बात कर लिया जाए तो 4G फ़ोन आपको मतलब सस्ता सस्ता बहुत अच्छा अच्छा फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर 5G फ़ोन की बात कर लिए, 5G फ़ोन अगर नज़र दौड़ाए 5G फ़ोन पर, तो वो आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में 5G का नेटवर्क उतना नहीं है, ऊपर उसके बाद सिम भी उसका अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाल ही में मतलब एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है, Xiaomi की ओर से ये अनाउंस है, ठीक है, कि वो अपना एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा Xiaomi मी मिक्स 3, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि यह एक 5G फ़ोन है, तो इसकी प्राइस क्या होने वाली है, इसका फुल स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसका आज हम इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करने लायक लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उस टाइम पर मिल जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये फ़ोन है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi कंपनी का मी मिक्स 3, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये फ़ोन मतलब 5G फ़ोन है, तो ये किस तरह से वर्क करती है और इसका मतलब फुल स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो ये तो फ़ोन आपको 3 वेरिएंट में आ जाएगा। जो पहला होगा 6 GB का रैम, उसके बाद होगा 8 GB का रैम, उसके बाद होगा 10 GB का। 6 GB और 8 GB वाला का रैम जो एक होगा, सौ अट्ठाईस जीबी छः जी बी और आठ जी बी इसका जो रैम इंटरनल अगर फोन इसका की बात कर इंटरनल लेते सेम हैं, इसका होगा। जो आपको इंटरनल मिल जाएगा वो आपको 256 GB देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि 6 GB और 8 GB का सेम है, 8 GB का एक और भी आता है 256 GB का, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं, और 10 GB रैम वाला का भी 256 GB आएगा। इसकी डिस्प्ले की अगर बात कर ले, डिस्प्ले इसका 6.4 इंच की डिस्प्ले आएगी, 1080x2324 का इसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी कैमरे की बात कर ली, तो आपको आपको पीछे में डुअल कैमरा मिल जाएगा, और साथ ही साथ दोनों कैमरा सेम मेगापिक्सल का, यानी कि 12 12 मेगापिक्सल का आपको बैक में दो कैमरा देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये फ़ोन बिल्कुल टकला चिकना होगा, यानी कि इसमें कुछ मोचदाड़ी कुछ भी नहीं होगा, ये फ़ोन बिल्कुल प्लेन होगा, यानी कि ये स्लाइडेबल फ़ोन होगा बिल्कुल। ये फ़ोन देखेगा यानी कि 1+7 जो है हाल ही में रिसेंटली में लॉन्च हुआ 1+7, सेम टू सेम ये फ़ोन उस तरह से देखें कि बिल्कुल आगे में आप देखिए बिल्कुल प्लेन होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये एक स्लाइडेबल फ़ोन होगा। कि अगर आप किसी का फोटो शूट करना है, आगे से सेल्फी लेना है, तो आपको फ़ोन को सिर्फ स्लाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पर दो कैमरा जैसे इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर वह एक LED भी देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद अगर इसकी प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 है। इसकी बैटरी की अगर बात कर ले तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 3200 mAh की बैटरी है। और इसके रहा इसके प्राइस की बात, इसके प्राइस की अगर बात कर ले तो इसका प्राइस मतलब फ़ोन के अदर फ़ोन के हिसाब से, 5G फ़ोन होने के हिसाब से इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, वहीं 44,000 के आसपास होगी, यानी कि 40 से 45,000 के आसपास अंदर में ही ये फ़ोन आपको मिल जाएगी। क्योंकि यार एक 5G फ़ोन है तो इसका प्राइस तो कुछ हाईएस्ट होना ही चाहिए, लेकिन जैसे आप अभी के दौर पर देख पा रहे हैं कि 1+7 जो फ़ोन आया है इसका प्राइस लगभग 36,000 से 40,000 के आसपास में आपको फ़ोन मिल जाता है। तो मतलब वो फ़ोन 4G है, और अभी जो आने वाला ये 5G है। तो हालांकि इसका कुछ मतलब ज़्यादा इस पे किसी फिक्सन के बारे में पता नहीं चला है कि ये मतलब किस पे चलेगा, इसका प्रोसेसर क्या होगा, ये सब कुछ दिया नहीं गया है कि ओरियो पे चलेगा या फिर किस पे चलेगा, फिर ये कुछ अलग निकालेगा, तो ये सब दिया नहीं गया। लेकिन फिर मुझे इतना सही जानकारी मिली थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दे। तो ये फ़ोन का हालांकि मतलब बात हुआ था 2019 में लॉन्च होने का, लेकिन इसका ये फ़ोन लिस्ट हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है इंडिया में। तो बस आज की वीडियो में इतना सही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।